नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आई एम आल्सो वेरिफाइड एजुकेटर एन अकेडमी, तो आप मुझे एन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे हेमंत मिश्रा सर्च कीजिए, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पे मैं SSC और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ। आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहाँ पे समझाया गया है, तो वहाँ पे जाइए, आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, LCM और HCF के इस लेसन नंबर 4 में हम HCF पे बनने वाले कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। फ्रेंड्स, प्रीवियस के कुछ लेसन में हमने HCF के बेसिक्स साथ ही साथ पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। फ्रेंड्स, LCM और HCF के सेक्शन से SSC के CGL, CPA और रेलवे के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेक्शन जो है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और अगले स्लाइड में हम कुछ जो उनके सॉल्यूशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जानवरों के कुछ समूह हैं जिनमें 945 गाय, 2475 भैंसे हैं। उन समूहों को इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो और प्रत्येक समूह में जो जानवरों की संख्या हो वह समान हो, समूहों की संख्या के समान हो। तो यहाँ पे जो समूह की संख्या है वो हमें बताना है कि जो ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चंस हैं जो कि HCF पे बेस होते हैं। इन जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें म स प हमें ज्ञात करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि कैसे पैटर्न्स में हमें HCF फाइंड करना होता है और साथ ही साथ कैसे पैटर्न में हमें LCM फाइंड करना होता है। आगे के कुछ लेसन्स होंगे जो इस सीरीज के फ्रेंड्स, उनमें हम LCM को डिस्कस करेंगे कि LCM कैसे फाइंड किया जाता है, साथ ही साथ उनके जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस LCM पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उनको भी हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल के जो हमारा ये क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है 945 और 2475 का यहाँ पे म स प ज्ञात करेंगे जो कि हमारा 45 होगा। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी संख्याओं का जो हमें HCF होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपली 45 होगा जो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होंगे, जो समूहों की संख्या यहाँ पे बोली जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 45 जो है हमारे यहाँ पे एनिमल्स होंगे, जानवर होंगे। तो यहाँ पे 945 गाय हैं तो उनमें कुल कितने समूह बनेंगे, तो 945 डिवाइडेड बाई 45 कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 21 ऐसे गाय के समूह बनेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम भैंसों की बात करें तो 2475 कुल भैंसे हैं, तो जबकि एक ग्रुप बनने के लिए 45 जो है जानवरों की आवश्यकता है यहाँ पे बोल सकते हैं, तो 2475 डिवाइडेड बाई 45 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 और 55 को जोड़ देंगे तो 76 जो होगा वो हमारे समूहों की संख्या होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे HCF को हमने फाइंड किया, 45 जो है एक समूह बनने के लिए नंबरों 45 जानवरों या फिर 45 नंबरों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सिंपली 945 गाय है तो 945 डिवाइडेड बाई 45 और 2475 डिवाइडेड बाई 45 कर दिया, सिंपली यहाँ पे 21 समूह और 55 समूह दोनों हमें फाइंड हो गए, जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ समूह जिन जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है तो वो 76 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल जो है उसी बेस है। और यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला टाइप है सॉल्विंग का। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगला तरीका देख रहे हैं हम। यहाँ पे सिंपल वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 945 और 2475 का हम यहाँ पे LCM फाइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से इसका LCM निकाल लेते हैं। तो 945 का अगर हम गुणनखंड करें तो 5 जो है मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7 होगा। वैसे ही अगर 2475 का हम गुणनखंड विधि से यहाँ पे जो है इनका म स व ज्ञात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे
2475 का जो गुणनखंड होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 11। जैसा कि एचसीएफ में करते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें जो समान नंबर्स हैं उनका हम ग्रुप कर देते हैं, उनको हम ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस में मैंने उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो मस वह होगा वो 5 × 3 × 3 45 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो संख्याएं बची हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, इन्हीं संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके उन्हें ऐड कर दें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स जो कि समूहों की संख्या पूछी गई है वो यहाँ से हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3 945 की संख्या का गुणनखंड में से बचा वाला संख्या, और यहाँ पे 2475 की 75 जो है उसमें से जो बची हुई संख्या है जो कि कॉमन नहीं है वो 5 × 11 हो जाएगी। दोनों ही नंबरों को यहाँ पे जोड़ देंगे 21 और 55, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 76 जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम जो प्रीवियस के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो किसी बागीचे में 44 सेब के, 66 केले के और 110 जो है वो आम के पेड़ हैं, उनको पक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पक्तियों में एक ही प्रकार के पेड़ हों, वह सभी पक्तियों में पेड़ों की जो संख्या हो वह समान हो, तो न्यूनतम पक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कम से कम ऐसी कितनी पक्तियाँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स प्रीवियस के क्वेश्चन के जैसे ही हम यहाँ पे सोल्यूशन इस क्वेश्चन का भी बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेब के पेड़ हैं उन्हें मैंने ए से डिनोट किया हुआ है एप्पल के, और जो केले के पेड़ हैं उन्हें बी से बनाना ट्री, और यहाँ पे जो आम के पेड़ हैं वो मैंगो ट्रीज हैं एम। तो यहाँ पे मस और व निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 44, 66 और 110 का सिंपली आप मस और प निकाल सकते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस के लेसन में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि हम मस और प कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंपली जो मस और प होगा वो हमारा 22 होगा, और सेब के जो पेड़ हैं वो 44 हैं, और नंबर ऑफ ट्रीज जो कि एक ग्रुप में न्यूनतम पक्तियों को बनाने के लिए आवश्यक पेड़ों की जो संख्या है वो 22 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 44 / 22 कर देंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 पक्तियां हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर बनाना ट्रीज की बात करें तो 66 / 22 करेंगे तो 3 नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, और यहाँ पे मैंगो ट्रीज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है वो 110 है, तो यहाँ पे जो है कि मैंने सॉल्यूशंस में 111 लिख दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 110 / 22 करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा 110 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। जो पक्तियों की संख्या की बात की जा रही है और टोटल पक्तियों की संख्या पूछी जा रही है, तो सिंपली यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे 2 जो होंगे वो एप्पल में, बी जो है बनाना ट्री में 3, और मैंगो ट्रीज में जो होंगे वो 5 होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं, जो न्यूनतम पक्तियों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। फ्रेंड्स आगे के कुछ लेसन्स में हम एचसीएफ पे और कुछ जो क्वेश्चंस पैटर्न वाइज एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ और जो लेसन्स होंगे आगे के उनमें हम फ्रेंड्स जो है एलसीएम कैसे एलसीएम जो है वो फाइंड किया जाता है, एलसीएम फाइंड करने के मेथड, साथ ही साथ उसके जो पैटर्न वाइज क्वेश्चंस उन सेक्शन से पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।